रूस और यूक्रेन दोनों ही देश इस वक्त युद्ध के भयानक दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई पूरे विश्व पर असर दिखा रही है। यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बुरी खबर आई है। आपको बता दें कि पुतिन की खास रक्षा अधिकारी मरीना यानकिना की मौत हो गई है। 58 वर्षीय मरीना यानकिना की सेंट पीटर्सबर्ग के एक बिल्डिंग के 16वें फ्लोर से गिरकर मौत हो गई। इससे पहले भी पुतिन के कई अधिकारियों की संदिग्ध हालत में मरने की खबरें आ चुकी हैं। लेकिन रूस के इस खास रक्षा अधिकारी की मौत से पुतिन को करारा झटका लगा है। गौरतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ चल रही लड़ाई में मरीना यानकिना रूस के लिए तेजी से फंड का इंतजाम कर रही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए मरीना इसलिए भी खास थी क्योंकि वह फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की चीफ थी। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मरीना यानकिना का बड़ा रोल था। रूस की एजेंसी इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मरीना यानकिना की मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। पिछले एक साल से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में जहां यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं रूस को भी इस लड़ाई से कुछ फायदा नहीं हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यानकिना से पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधिकारियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि साल 2022 के शुरुआती वक्त में रूसी राष्ट्रपति के करीब दर्जन भर करीबियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। साल 2022 के 26 दिसंबर को ओडिशा आए पुतिन के कड़े आलोचक और बिजनेसमैन पावेल एंटोव की होटल की खिड़की से गिरने की खबर आई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।